आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। से रूपा जी, दर्शक हैं रामचंद्र लोधा जी, जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं लहसुन में आगे क्या होगा। रूपा जी देख रहे हैं कि लहसुन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट बन चुकी है, आवक के बम्पर देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर। मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो नीमच, मंदसौर, काफ़ी ज़्यादा बम्पर आवक देखने को मिल रही हैं और वो काफ़ी बड़ी मंडियाँ मानी जाती हैं लहसुन में पूरे देश में। ऐसे में आपको क्या लगता है लहसुन में आगे एक कैसा रुझान रहेगा? देखिए, लहसुन में अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जो एक विंटर सीजन के डिमांड के चलते हर साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजारों में एक अपसेट मोमेंटम बन सकता है। और ऐसी उम्मीद भी थी कि विंटर सीजन के डिमांड के चलते लहसुन में हो सकता है तेजी देखने को मिले, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार लहसुन में प्राइसेस देखने को मिले थे, इस बार बाजार जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सर्दियों के मांग जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दी है लहसुन की, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बाजारों में छुटपुट खरीदारी आ सकती है, लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।